हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इश्क मुर्शिद का जो ओएसटी है तेरा मेरा है प्यार अमर, तो आज उसका गिटार ट्यूटोरियल हम करने जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने पियानो ट्यूटोरियल में भी आपको बताया था कि ई माइनर स्केल है, तो ये सॉन्ग हम ई माइनर स्केल में प्ले करेंगे। और हम लाइन बाय लाइन हम इसको पहले देखेंगे कि कौन सी लाइन आपको किस तरीके से प्ले करनी है। अच्छा, होगा ये कि आपके सामने नोट्स लिखे हुए आ रहे होंगे, और तरीका ये होता है कि कभी कभी कोई वर्ड ऐसा होता है जिसको हमें पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, उसको हम सिलेबल्स भी कहते हैं। और कुछ एक्सटेंडेड पार्ट्स भी होते हैं, कुछ फास्ट चीज़ें भी बचती हैं। तो जो फास्ट चीज़ें थोड़ी सी बजेंगी उनको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ। ब्रैकेट का मतलब होगा आपको उसको थोड़ा सा नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा स्पीड से आपको बजाना है। और कहीं कहीं स्लाइड होगा, स्लाइड का मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें लिखी होंगी, अगर इस तरह से तो समझिए स्लाइड है। तो स्लाइड की जो टेक्निक होती है वो क्या होता है कि हम एक नोट प्ले करते हैं, जैसे अगर लिखा हुआ है जी टू से फोर आपको स्लाइड करनी है, तो लिखा होगा जी टू स्लैश फोर। जी टू का मतलब क्या है कि जी स्ट्रिंग की सेकंड फ्रेट, ये जी स्ट्रिंग की सेकंड फ्रेट है, या इसको हम बॉक्सेस भी कहते हैं, बॉक्स नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, या फ्रेट नंबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो उस पर लिखा होगा जी टू स्लैश फोर, यानी जी टू से लेके फोर तक स्लाइड कर दो। ये आपने स्लाइड कर दिया, स्लाइड इस तरीके से होता है। फिर कहीं कहीं हैमर ऑन टेक्निक भी आती है, ये हैमर ऑन टेक्निक है। कहीं कहीं पुल ऑफ टेक्निक आती है, ये पुल ऑफ टेक्निक है। अब इसकी डिटेल्स क्या है, इसके लिए आपको थोड़ा सा या तो थोड़ी सर्चिंग करनी पड़ेगी कि भाई हैमर ऑन किस तरीके से होता है गिटार में, और पुल ऑफ किस तरीके से होता है, ये फिर आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा चीज़ें, या फिर इसके लिए थोड़ी सी मेंटोरिंग रिक्वायर्ड होती है। लेकिन जिन लोगों जो लेकिन जो लोग ये कर सकते हैं उनके लिए इट विल बी वेरी इजी। और फिर अगर आपने सिंगिंग करनी है इसके साथ, तो कौन से कॉर्ड्स इसमें यूज़ होंगे और स्ट्रमिंग क्या होगी इसकी, इस तरह से स्ट्रमिंग करके आप उसके साथ सिंग भी कर सकते हैं। तो लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन सेज जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, सो यू कैन प्ले विद ए टू दो दफा। तो जाने के लिए आपने ए टू दो दफा बजाना है, जाने जाने तमन्ना के चार पार्ट्स या चार सिलेबल्स हमने बनाने, वो क्या होंगे, जी फोर त मन न आ, ये इसके सिलेबल्स होंगे, लिखा रहा होगा। जी फोर आपने तीन दफा बजाना है और एक दफा आपने जी टू बजाना है। तो ये लाइन कैसे होगी, ठीक है। नेक्स्ट लाइन जाने अदा तुझे, अब यहाँ पे जाने अदा तुझे, जाने के दो सिलेबल्स दोनों जी फाइव पे, जाने अदा, अदा के तीन सिलेबल्स हमने बनाने हैं, जी फोर जी टू और जी जीरो। जी जीरो का मतलब क्या है कि आपने ओपन स्ट्रिंग प्ले कर ली, कोई हाथ आपने कोई फिंगर नहीं रख ली। जाने अदा तुझे, तुझे दो सिलेबल्स और दोनों जी टू पे। फिर नेक्स्ट लाइन है जैसा है सोचा पाया वही, अब यहां पे आप चले जाएंगे ए फाइव पे, जैसा है सोचा, जैसा के लिए ए फाइव दो दफा, जैसा है सोचा, है का एक ही सिलेबल या एक ही पार्ट है डी सेवन पे, है सोचा, और सोचा के तीन पार्ट्स है, तो वो क्या होंगे, डी सेवन दो दफा और डी फाइव एक दफा, जैसा है सोचा, ठीक हो गया, इस तरह बजेगा। इस तरह लाइन बजेगी, फिर जैसा है सोचा, फिर पाया वही। पाया वही जो है ना, पाया को आप थोड़ा सा अगर चाहें, अगर आपके स्किल्स हैं तो पाया के तीन पार्ट्स कर लें आप इस तरीके से, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको चाहिए होगी, क्योंकि मिडिल पिंकी और इंडेक्स से बजा रहा हूँ मैं। कौन कौन से नोट्स, D5, D7 और G4।
ऐसे, तो वही के लिए क्या कर रहा हूं मैं, डी सेवन और जी फोर। अगर ये मुश्किल लगे तो पाया के दो सेलेबल्स कर ले, दो वर्ड्स, वो भी ठीक है, ये भी सही है। ये क्या किया मैंने, डी फाइव और जी फोर पाया, और वही के डी सेवन और जी फोर, ठीक है। तो कैसे, ये भी सही है, और अगर थोड़ा सा इसको स्केलफुल बजाना है, तीन सिलेबस करके भी आप इसको बजा सकते हैं। तीसरा, अगर यहां से आपको मुश्किल लग रहा है, ये तो आसान है, तो फिर आप यहाँ जी जीरो वाली साइड से भी बजा सकते हैं, पाया वही, ये भी सेम है, ये भी ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो ओपन स्ट्रिंग होती है ना, वो थोड़ी सी ऑकवर्ड सी साउंड करती है कभी कभी, लेकिन वो फ्लो में आप बजा देंगे तो पता नहीं चलता। तो जी जीरो, जी टू और जी फोर, ये इसका ऑल्टरनेट वे है। या फिर अगर दो सिलेबल के साथ, ये भी ऑप्शन है। तो मैं आपको दूसरा वाला सुना देता हूँ पूरा, एक तो ये कर सकते हैं, और पाया के दो सिलेबल्स जी जीरो वाली पोजीशन पे, दोनों एक्सेप्टेबल होते हैं, आप दोनों कर सकते हैं जैसे आपको इजी लगे। फिर नेक्स्ट लाइन है, सूरज की किरणों सा एक चेहरा। अब सूरज की किरणों जो है वो वैसे तो सेम है, लेकिन वो अब ए टू से स्टार्ट नहीं होगा, वो अब डी टू से स्टार्ट होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, फर्स्ट लाइन में हमने ए टू रखा था, यहां पे आप डी टू रखेंगे। सूरज की किरणों, तो सूरज, डी टू दो दफा, की किरणों, किरणों के तीन सिलेबल्स, इजी लाइन है। फिर सा एक चेहरा। अब सा जो है वो एक सिलेबल है, और इक के दो सिलेबल हैं, ऐसे सा एक चेहरा, तो सा जाएगा हमारा जी फाइव, इक जी फाइव जी फोर, चेहरा के तीन सिलेबल्स जी टू जी जीरो और जी टू, ठीक है। कैसे, वही सेम लाइन है फर्स्ट वाली, सिर्फ ए टू की जगह हमने डी टू ले ली। तो नेक्स्ट लाइन है, देखा है तुमसा मैंने नहीं, तो देखा के दो सिलेबल्स ए फाइव पे, देखा है तुमसा, है तुम एक एक पार्ट जो कि हम बजा रहे हैं डी सेवन डी सेवन, सा के दो पार्ट्स हैं, सा ऐसे डी सेवन डी फाइव, देखा है तुमसा। अब मैंने नहीं थोड़ा सा डिफरेंट है, वो कैसे होगा, ये तो इसमें क्या कर रहा हूं मैं, नोट्स हैं डी सेवन और जी सेवन, तो ये मैं रिंग फिंगर से ही इसको मैं प्ले कर रहा हूं, तो मैंने रिंग फिंगर बजा के ना हल्का सा रिंग फिंगर को ही बैंड करना होता है नीचे। आप ऐसे ही बजा सकते हैं, आप चाहें तो मिडिल और रिंग से भी बजा सकते हैं, मुझे कन्वीनियंट लग रहा है रिंग फिंगर से ही। मैंने नहीं इंडेक्स फिंगर से ले रहा हूं, जी फाइव और जी फोर, ऐसे ये पार्ट इस तरीके से बजेगा, फिर हम कॉरस पार्ट में जाते हैं, अच्छा कॉरस पार्ट है मेरी मोहब्बत का हर लम्हा, तो मेरी के दो सिलेबल्स हैं जो आप जी फोर से जी फोर बजाएंगे और बी फाइव बजाएंगे। मोहब्बत के लिए फिर हमने देखिए फिंगर ऑर्डर बड़ा जरूरी होता है, तो पिंकी से लेकर आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स पिंकी यूज ही नहीं करते, तो यहां पे आपको प्रॉब्लम होगा अगर आप पिंकी यूज नहीं करते, पिंकी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूज किया करें उसको। तो मेरी आपने बजा दिया जी फोर बी फाइव, मोहब्बत के चार सिलेबल्स बनेंगे जी सेवन और जी एट, पिंकी ही आएगी जी एट पे भी,
G7 भी पिंक की है और G8 तीन दफा वो भी पिंक की ही आएगी।